मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो। तो और एक नई सुबह ब्लॉग लेके आ गई हूँ। यहाँ पे अभिराज है और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, पूरी और आलू की सब्जी सब्जी। तो आज बहुत दिनों के बाद लंच पे हम लोग खाएंगे मटन। और हमारे मासी आए हैं जो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है। हाँ hey फ्रेंड्स, आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं मटन बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि सारे मसाले कल ही मैंने कॉम्प्लीट करके रखा था। और पार्ट तो अभी बाज़ार से ये सारे मतलब ले आए हैं, तो वो मुझे ठीक ठाक करना है। और इसके लिए लॉलीपॉप आया है, क्योंकि कल से ये अपना पापा का सर खा रहा था कि लॉलीपॉप लाओ लॉलीपॉप लाओ। शांति मिला तो अभी खा के इसको शांति मिला है। तो यहाँ पे मैं मटन बना रही हूँ और यहाँ पे खा रही हूँ बनाना। लेकिन बहुत दिन हो गया था तो मन किया तो ले आया हूँ। तो भाई आज मटन करी एकदम सिंपल बंगाली स्टाइल में बनाऊँगी। वैसे तो हम लोगों का तो सब कुछ झोल झोल ही होता है, तो मटन भी झोल झोल ही होगा। तो मैंने प्रेशर कुकर में ऑलरेडी मटन दे दिया है मसाले के साथ। मैंने यहाँ पे पहले दिया है प्याज, फिर अदरक लहसुन, ग्रीन चिली का पेस्ट, फिर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो इसको देखिए मैं अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद सीटी लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे एक बार में कुकर पे दे दिया, क्योंकि फिर कढ़ाई में फिर कुकर वैसे तो ज़्यादा है नहीं, छोटा है, तो हमारे ये 3 लीटर के कुकर में हो जाएगा। तो मैंने कुकर में ही दे दिया है। उसके बाद मैं बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि अभिराज पुलाव खाता है। वैसे तो उसका कुछ खाने का इतना मतलब लालच नहीं है कि ये खाना है वो खाना है, उसको बस खिलौनों से मतलब है। लेकिन वो पुलाव खाता है, उसको अच्छा लगता है, चिकन के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मटन उसको इतना पसंद नहीं है। तो फिर भी उसने बोला कि मुझे पुलाव ही कर दो, तो कर देती हूँ। मेरा बेटा ने बोला है तो करना तो पड़ेगा। तो मैं ये पुलाव कर लूँ, उसके लिए हम लोग प्लेन राइस खाएंगे। और उसका समर वैकेशन पड़ गया है, तो अभी मौज कर रहा है। मौज ही मौज। और मेरा तो छुट्टी नहीं है, ऑल टाइम कुछ ना कुछ है। तो मैं मटन को अच्छे से उसको मतलब भून लूँगी, उसके बाद पानी दे के सीटी लगा दूँगी, बस हो जाएगा। आप लोगों को तो पता ही है कैसे बनता है मटन। कोई कोई तो कढ़ाई में भी करते हैं, तो उसके लिए या तो फिर पपीता दे देते हैं या कुछ दे देते हैं, मतलब जल्दी हो के। मटन तो ईजिली बॉयल नहीं होता है, तो इसलिए एनीवेज मैंने घर पे दे दिया, जल्दी हो जाएगा, उतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे खाना बना रही और कुछ ना कुछ खा भी है। वो पहले तो बनाना कि अब लीची खाऊंगी, मेरा फेवरेट, मेरा फ्रूट्स में लीची फिर ग्रेप से बहुत पसंद है। मैंगो तो एकदम पसंद नहीं, बनाना भी उतना पसंद नहीं, लेकिन ये दोनों मुझे पसंद है। तो आज पार्थ बाज़ार से लाया है, तो मैं देख रही हूँ कैसा है, मीठा है या खट्टा है। मतलब फर्स्ट टाइम, सीजन का फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो खा लेती हूँ। मीठा है, अभी आज को पसंद है। वो अगर वो मैंगो खाता है, मैंगो भी है, थोड़ी देर बाद मैं उसको मैंगो दे दूँगी कट करके। वो कल मन से बोला था कि मम्मी मुझे मैंगो जूस कर देना। रेस्ट भी ले लिया, तो तब वीडियो नहीं कर पाई। यहाँ पे हमारा मटन हो गया है, मटन करी इस पे है। ये है मटन करी जो एकदम रेडी हो गया है, अभी गिर जाता।
तो हो गए। और अभी बनाऊंगी मैं पुलाव और राइस भी बिठा दूंगी इस पर। एक्चुअली मटन हो गया था, उसके बाद बहुत टाइम था तो मैंने सोचा कि नहा लूँ, फिर बाल बाल भी सुखा लिया और अभी पुलाव करूँगी। तो गरम गरम राइस और पुलाव खा लूँ, बस हो जाएगा आज का खाना, लंच कंप्लीट। तो लग जाती हूँ फिर से किचन में और अभी फिर से मैं पानी पानी हो जाऊँगी, बहुत गर्मी है। हमारा पुलाव भी रेडी हो गया है सिर्फ अभिराज के लिए, और यहाँ पे फिर राइस बैठ बिठा दिया मैंने इसी प्रेशर। मेरा हालत देखो, आज शायद इवनिंग में जाऊँगी, थोड़ा सा मायके जाऊँगी क्योंकि मम्मी ने फ़ोन किया था जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केले का गाछ है तो वो पक गया है, तो इसीलिए जाऊँगी और आज ही चली आऊँगी। उस पास में ही तो है, मतलब दूसरे स्टेशन पे है, तो आज ही जाऊंगी, थोड़ा सा देख लूँगी मम्मी पापा कैसे हैं और फिर आ जाऊँगी, पार्थो ले जाएगा। तो गाइस थोड़ी देर बाद हम लोग लंच कर लेंगे क्योंकि पार्थो तो कब से बोल रहा है भूख लगे, मतलब इतना खा रहा है फिर भी तो मैंने आज जल्दी बिठा दिया, जल्दी लंच कर लूँ, जल्दी सो जाऊँगी, फिर जल्दी शाम को उठ कर भी जाना भी है। और तो जो मैंने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग किया था ना, तो एक तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे मैंने सारे जो रेगुलर यूज़ के लिए है ना, वो कोम, फिर क्लिप, क्लचर, फिर वो गार्डर, हेयर बैंड सब इसमें रख दिया है। और यहाँ पे मैंने ब्रश का जो वो है वो मैंने उस पर रख दिया है अंदर, थोड़ा सा देख पा रहे कि नहीं, तो उस पर रख दिया है। एक्चुअली काउंटर टॉप पे कुछ रखती हूँ ना तो दाग लग जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से हटा दिया इसको। और जो बॉक्स था उसको मैंने एक यहाँ पे दवाई रख दिया है, और क्या है ये अभिराज का दवाई यहाँ पे रख दिया है वो बॉक्स, और एक यहाँ पे रख दिया है क्योंकि बाहर से आते हैं सैनिटाइज़र वगैरह, और ये पार्थो का कुछ है तो वो रख दिया है। और तो ये जो हैंगर है मैंने अभी तक इसको मतलब कर नहीं पाई, ऑर्डर ठीक ठाक नहीं कर पाई, अभी भी वैसा का वैसा ही है, टाइम ही नहीं मिल रहा है कब करूँगी, लेकिन करूँगी तो ज़रूर, कब करूँगी वही मतलब दिखना है कि कब करूँगी। गर्मी लग गया है तो अभी थोड़ा रेस्ट लूँगी, चार राइस तो हो गया है, सिटी पड़ गया है तो दो सिटी पड़ता है तो हो जाता है, तो राइस भी हो गए और अभी बस यहाँ पे मैं सो जाऊँगी। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड लग रहा है गर्मी के लिए। लंच हो गया है कंप्लीट, तो रूम पे आ गई हूँ और आज का सब लंच एकदम बहुत अच्छा था। और अभी मैं पहनूंगी नेल पॉलिश, बहुत दिन हो गया, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लास्ट नेल पॉलिश पहना था, तो आज मन किया कि नेल पॉलिश पहन लूँ थोड़ा सा, तो पहन ली।
और बाहर भी निकलूंगी ना इसीलिए। अभी जा रही हूँ मायके, अभी थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी, बस जा रही हूँ, कुछ काम है तो इसलिए जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, सिंपल कुछ नहीं, बस ऐसे रेडी हो गई हूँ, तो चलो चलती हूँ। तो गाइस निकल रही हूँ, लाइट वाइट सब ऑफ कर दिया है, सब कुछ निकल रही हूँ। वो लोग नीचे चले गए हैं, बस मैं ही बाकी हूँ। और ये मैंने स्टाइलिश वाला मास्क पहन लिया, मेरा जूता, और यहाँ पे अभी हम लोग मैंगो ले रहे हैं, मतलब घर के लिए, मेरे मायके मम्मी पापा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंगो ले रहे हैं। तो फाइनली हमें वहाँ पे मतलब एक ठेला वाला मिल गया फ्रूट्स का, तो हमने उसी से ले लिया। बाय द वे सारे दुकान शॉप सब कुछ बंद था, और हम आ गए हैं मायके में। চলে আমাদের তো মাংস হয়েছে। না এখন কিছু খাবে না, তাহলে খাবে না এখন, না না गाइस अंधेरा हो गया है। और अभी अभी जस्ट आई हूँ, मेरा बाल देखो, आई हूँ बस अभी थोड़ा फ्रेश, मतलब फ्रेश हो जाऊँ, बाहर से आई हूँ ना, तो इसीलिए फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और अभी मुझे बिरयानी भी बनाना है, तो वो भी शेयर करूँगी, मटन बिरयानी। तो फ्रेश हो जाऊँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं चेंज कर लिया है, और यहाँ पर राइस मैंने बिठा दिया है ऑलरेडी। ये देखो राइस पे मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल दिया है, और जो मसाले हैं उसको मैंने इस कपड़े में दे दिया है, क्योंकि मतलब अगर फ्राइड बिरयानी में अगर वो सारे रहेगा ना, क्या बोलते फोरन टाइप का कुछ, तो पार्थ तो एकदम हल्ला मचा देगा, वो खाएगा ही नहीं, ऊपर से बहुत गुस्सा हो जाएगा। हाथ में मैं मतलब झमेला नहीं चाहती हूँ, तो मैं उसको ऐसे दे दिया, बस हो जाएगा उसके बाद। और पुलाव है, क्योंकि अभिराज को बिरयानी ये सब पसंद है, पुलाव पसंद है, तो उसको पुलाव दे दूंगी, और हम लोग खा लेंगे। वैसे तो गर्मी में पार्थों को तो मतलब बोल रहा है कि नहीं बनाने के लिए, बहुत गर्मी, ऊपर से इतना रिच, उसको तो वैसे ही मतलब पसंद नहीं है। मैं ही खाती हूँ, मुझे ये सब पसंद है, ऊपर से बिरयानी ज़्यादा पसंद है, और ऊपर से रेस्टोरेंट भी नहीं जा पा रही हूँ, तो घर पे बना के खा रही हूँ।
खा खा के मोटी हो रही हूँ। पार्थो तो मेरे को बोलता है हाथी। और यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश लगाया और इतना गर्मी है ना गाइस, हालत पूरा खराब हो रहा है। तो चलो मेरा राइस हो जाए धीरे धीरे, फिर जब मतलब उसका बनाऊंगी, कुकर भी बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, मैं और पार्थो ही खाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस राइस यहाँ पे हो गया है और अभी मैं तैयारी करूँगी चिकन, सॉरी मटन बिरयानी का। मटन में फ्रिज में था, सुबह करी बनाया था तो उसी से बनाऊंगी। ये है मटन करी जो एकदम जम गया है, फ्रिज में था, कोई नहीं इससे कुछ नहीं, टेस्टी टेस्टी मटन बिरयानी। ये सारे केवड़ा वाटर, केवड़ा वाटर क्या बोलते, गुलाब जल, गुलाब का वाटर, और ये आतर, और ये बिरयानी मसाला। और ये घी, राइस बिरयानी को बस 25 मिनट्स लगेगा, एकदम लो फ्लेम पे देना है, जितना हो सके लो फ्लेम पे, या फिर आप आपका अगर वो क्या बोलते पतला हो नीचे का जो लेयर है तो आप एक मतलब तवे पे रख सकते हो, मैंने तो ऐसे ही रख दिया है, कुछ नहीं होगा तो हो जाएगा। और मैं एक अंडा दिया था लास्ट में, वो मैं क्लिप लेना भूल गई, तो मैं लास्ट में अंडा दिया है, वो भी आप ले सकते हो। वैसे तो मुझे बिरयानी का अंडा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पार्थो ही खाता है। अभी आई हूँ रूम में थोड़ा रेस्ट लेने, इतना गर्मी लग रहा है ना कि क्या करना है। तो आज मैं गई थी मायके, मायके जाके थोड़ा अच्छा लगा, बहुत दिन बाद, बहुत नहीं उससे पहले गई थी। एक्चुअली मम्मी ने बुलाया था, वहाँ पे पेड़ है मतलब बनाना पेड़ है, तो बनाना हो गया था, तो मम्मी बोला ले जाओ, इसलिए लेने गई थी, गई थी और फिर चली आई। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डिनर हो रहा है, तो डिनर करते करते मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी। बाय, गुड नाइट, फिर मिलूँगी, टेक केयर, बाय बाय।